यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला से है, जहां पर रोहतक अपना घर मामले में अब आपको बता दें फैसला आ चुका है। और साथ ही ये बड़ी खबर पंचकुला से, अपना घर यौन शोषण मामले में अब फैसला सुनाया गया है। और साथ ही यहां पर 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है। मामले में जसवंती देवी समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है। और साथ ही रोहतक का ये मामला है बहुचर्चित, सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है जिसमें मुख्य आरोपी जसवंती देवी समेत 9 लोगों को इसमें आपको बता दें कि दोषी करार दिया गया है। और साथ ही अंग्रेज कौर को बरी कर दिया गया है। 24 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा इस मामले पर, सजा का ऐलान 24 अप्रैल को होगा। और साथ ही इस मामले में फैसला आ चुका है और 9 लोगों को इसमें आरोपी, इनके ऊपर दोष जो है वो कोर्ट की ओर से सिद्ध किए गए हैं, दोषी करार दिया गया है। 9 लोगों को, जसवंती देवी समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे शशि अरोड़ा, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, ज्यादा जानकारी खबर पर। बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से रोहतक का जो बहुचर्चित अपना घर जो मामला था, आज उसमें सुनवाई थी, फाइनल बेंच इसमें पूरी हो चुकी थी, आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन जो है फैसले की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है, 24 अप्रैल को वो सजा सुनाई जाएगी। लेकिन आज दोषी करार कर दिया गया है, 10 आरोपी थे जिनमें से 9 को दोषी करार दिया गया है, लेकिन एक जो अंग्रेज कोर्ट थी उसको बरी कर दिया गया जी। इसमें जो है जसवंती देवी जो है अपना घर की संचालिका थी, उसकी बेटी, उसका दामाद, उसके अलावा जो एक पुलिसकर्मी और बाकी लोग थे, इसमें कुछ अनाथ लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता था, आश्रय देने की बात कही जाती थी। लेकिन जो 3 लड़कियां जो अपना घर से भागकर दिल्ली पहुंची थी, एनजीओ के पास पहुंची थी, उन्होंने खुलासा किया था कि वहां पर लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता है, उनसे देह व्यापार का जो काम कराया जाता है, उनके साथ जो मनमानी की जाती है, जिसके बाद जिस तरीके से जांच बढ़ी और सीबीआई के पास ये मामला पहुंचा था, उसमें सुनवाई हो रही थी, आज इनको जो है दोषी करार कर दिया गया जी। इसके साथ ही शशि, जो एक को इसमें बरी कर दिया गया है अंग्रेज कौर को, उसको क्या कुछ कहते हुए बरी किया गया है? जी बिल्कुल जी, इस तरीके से जो काफी समय से जो मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा था, सबूत भी क्योंकि इकट्ठा किए गए थे, पूरे जो सबूत इकट्ठा किए गए थे, जो अंग्रेज कोर है उसको जो है उसके ऊपर कोई इस तरीके का गुनाह नहीं पाया गया, इस कारण से जो है उनको बरी कर दिया गया जी। साथ ही शशि, 9 लोग जो है इसमें दोषी करार दिए गए हैं कोर्ट की ओर से, साथ ही अगली सुनवाई में जो है सजा का ऐलान होगा। ऐसे में क्या कुछ सजा जो है, लगभग कितने साल की सजा जो है इन्हें सुनाई जा सकती है, इस पूरे मामले में क्या सजा का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से जो लोगों को सजा, 9 लोग हैं, जसवंती जी देवी जिसमें जो मुख्य आरोपी, उनकी बेटी है, उनका दामाद है, इसके अलावा 6 लोग और हैं, इन 9 लोगों को जिस तरीके से सजा सुनाई जानी तो कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि लड़कियों को, महिलाओं को जो बेसहारा थी उनको आश्रय देने के नाम पर उनके उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया, यौन शोषण किया गया, उनको बेचा गया, देह व्यापार जैसा काम कराया गया, मारपीट की गई, तो कड़ी से कड़ी सजा इसमें जो है मिलनी भी चाहिए और मिलेगी जी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, जो सीबीआई कोर्ट के बाहर से ये तस्वीरें हैं। लेकिन साथ ही शशि, क्योंकि फैसला आ जाया है, 2012 का ये पूरा मामला है और अब जो है इस मामले में फैसला सुनाया गया है, दोषी करार दिया गया है 9 लोगों को, ऐसे में दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से क्या कुछ बात जो है बाहर आकर कही गई है? जी अवंतिका, जिस तरीके से जैसे अभी अभी जो अंदर कोर्ट में जो इस तरीके से इनको जो दोषी करार देने की बात की, अभी उनके वकीलों से हमारी बात हुई, जैसे ही हमारी जो बात होगी वो हम बता दिया जाएगा, क्योंकि बचाव पक्ष हमेशा से जो अपने अपने जो है जो उनके जो लोग होते हैं उनको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन जो है कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है वो पूरा, क्योंकि इतना लंबा ट्रायल चला, सारे जो दोनों पक्षों को देखा गया, सबूत इकट्ठा किए गए, उनके उनके बिना पर जो है इन लोगों को दोषी करार दिया जी, गया। शशि, इसके साथ ही क्योंकि अब इस मामले में 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है सीबीआई कोर्ट की तरफ से, क्या अब जो जसवंती देवी हैं और बाकी जो 9 लोग हैं इनके वकीलों की ओर से, इनके वकील की ओर से क्या उच्च न्यायालय की तरफ भी रुख किया जाएगा? जी अवंतिका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी अभी जो है कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, उनको दोषी करार दिया है, तो अभी उनके वकीलों से बात की जाएगी, जिस तरीके से वो कहेंगे हो सकता है कि वो अप्लाई किए करें, आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तो जिस तरीके से जो भी बात होती है वो इंटीमेट कर दी जाए जी। शशि, हालांकि ये आपने जरूर बताया कि यहाँ पर अभी जो है उनको, वकीलों को जो है कोर्ट से बाहर आना है, उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे, अभी मीडिया से बात नहीं हुई है, लेकिन साथ ही क्या इससे पहले उनकी तरफ से कोई बात ऐसी कही जा रही है, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है, अगर यहाँ से सभी को दोषी करार दे दिया जाता है, तो क्या वो इसके बारे में उच्च न्यायालय का रुख करेंगे? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से जो लंबे समय से जो ट्रायल चल रहा था, सुनवाई चल रही थी कोर्ट में,
तो बचाव पक्ष के जो वकील है वो हमेशा से अपने जो है अपने जो जिनका वो उनके पास केस है उनको बचाने का प्रयास करते हैं, पूरी लड़ाई लड़ते हैं, वो चाहते कि किसी न किसी तरीके से अपने जो है लोगों को बचाया जाए। और अब उनका ये प्रयास रहेगा कि वो अगली जो कोर्ट का है दरवाजा खटखटाए उनको बचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि पुख्ता सबूत कोर्ट के पास थे, पूरे जो है बयान लोगों को जिस तरीके से दर्ज किया गया था, मौके से सबूत इकट्ठा किए गए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके आधार पर इनको जो है दोषी करार कर दिया गया। शशि, इसके साथ ही अंग्रेज कोर को चूंकि बरी कर दिया गया है, तो क्या अंग्रेज कोर अभी बाहर आकर मीडिया से उन्होंने बात की है? अवंतिका, जैसे मैंने पहले बताया, अभी कोर्ट ने ये बताया है कि जिस तरीके से ये दोषी करार दिए गए और अंग्रेज कोर को बरी कर दिया गया है, तो अभी हमारी किसी से बात नहीं हो पाई है। कुछ ही समय में सब क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो पाएगा, और हम उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे कि उन कितनी वो खुश हैं, क्योंकि इतने साल उनको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, ट्रायल उनको भी भुगतना पड़ा है, और किस तरीके से उनको उनका ये सफर रहा ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता देंगे बड़ी खबर इस वक्त पंचकुला से है, जहां सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है अपना घर मामले में। और इसके साथ ही आपको बता दें इस मामले में मुख्य आरोपी जसवंती समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है। और 8 मई 2012 का यह मामला है, जहां पर देर रात रोहतक के अपना घर के नाम से चल रहे अनाथालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारा था।